क्या आपके पर्सन ने आपके साथ ब्लेम गेम खेला है, मैनिपुलेशंस की हैं, खुद की गलतियों की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी खुद के ऊपर नहीं ली है और आपके ऊपर इल्ज़ाम लगाया है और आप जानना चाहते हैं कि आपकी लाइफ में जस्टिस आ रहा है या नहीं आ रहा है? अगर आपकी लाइफ में कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन है जिसकी वजह से आपके पार्टनर ने आपको बहुत ज़्यादा परेशान किया हुआ है, तो आज का वीडियो आपके लिए है। सो हेलो एवरीवन, मैं ऋतु भारद्वाज टैरो रीडिंग 2190 से मेरे चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आशा करती हूँ आप सब लोग खुश होंगे, पॉजिटिव होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। सो जनरल कलेक्टिव टाइमलेस रीडिंग है। जब भी आप इस वीडियो को देखेंगे ये आपके साथ रेजोनेट करेगी। जितना पार्ट रेजोनेट करे उतना रखिएगा, बाकी का छोड़ दीजिएगा, क्योंकि ये जनरल रीडिंग है, सभी के लिए है। अगर आप लोग अपनी पर्सनल रीडिंग्स बुक करवाना चाहते हैं तो डिटेल्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए हैं, स्क्रीन पर भी दिया हुआ है। सो आप यहाँ पर तीन डेक्स देख रहे हैं। सबसे पहले हम आपके लिए लेंगे कुछ एंजल के ब्लेसिंग्स, जो कि हम ओपन सबसे लास्ट में करेंगे, ओके? नेक्स्ट आप यहाँ पर देख रहे हैं, इस डेक से हम जानेंगे कुछ आपकी एनर्जीज और इस डेक से हम देखेंगे आपके पार्टनर और थर्ड पार्टी के बीच में क्या चल रहा है, ओके? सो चलिए शुरू करते हैं। शफलिंग मैं स्टार्ट कर रही हूँ, ओके? सो कैंडल पे फोकस कीजिए, थोड़ी देर कैंडल पे मेडिटेट कीजिए, पॉजिटिव होने की कोशिश कीजिए, ओके? कार्ड्स के साथ कनेक्ट हो जाइए। लास्ट तक वीडियो को ज़रूर देखिएगा। अगर ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट करती है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा चैनल को, ताकि एंजल्स की ब्लेसिंग्स आप तक पहुंच सके। आपकी विशेस, आपकी मैनिफेस्टेशंस कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा, आप क्या चाहते हैं अपनी लाइफ में, ओके? चलिए आपकी एनर्जीज़ को हम निकाल लेते हैं। ऑल द डिवाइन एनर्जीज, बजरंग बली, यूनिवर्स, एंजल्स, प्लीज़ बताइए क्या है व्यूअर्स की लाइफ में, क्या है व्यूअर्स की एनर्जीज, ओके? सो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को, ओके जी। फर्स्ट कार्ड ही यहाँ पर आया है, कंप्लीशन का कार्ड। नेक्स्ट देखते हैं इन अ वॉइस, स्किज़ोफ्रेनिया, इंटीग्रेशन, न्यू विजन, ओके, मोमेंट टू मोमेंट आपकी एनर्जीज निकाल रहे हैं। चेंज, क्रिएटर, वाओ, ब्यूटिफुल, द बर्डन, ओके, ये आई हैं आपकी एनर्जीज, ओके। अब यहाँ पर हम कुछ ले लेते हैं एंजल्स की ब्लेसिंग्स, ओपन हम लास्ट में करेंगे। सो एंजल्स प्लीज़ गाइड कीजिए व्यूअर्स के लिए, क्या मैसेजेस आ रहे हैं, क्या ब्लेसिंग्स, क्या गाइडेंस देना चाहते हैं एंजल्स, प्लीज़ गाइड कीजिए व्यूअर्स के लिए, क्या आ रहा है आगे एंजल्स प्लीज़ गाइड कीजिए, ओके, ओके एंजल्स प्लीज़ गाइड कीजिए। वाओ, ब्यूटीफुल कार्ड्स, कनेक्ट हो जाइए कार्ड्स के साथ, बहुत अमेजिंग होने वाला है ये आपके लिए, ओके? चलिए एंजल्स की ब्लेसिंग्स भी यहाँ पर आपके लिए आ गई हैं, फाइन। सो चलिए शुरू करते हैं, फिर हम देखेंगे यहाँ पर इन दोनों का क्या हो रहा है। सबसे पहले मैं आपको ये बता दूँ कि आप किसी के लिए, आपका दिल किसी के लिए बहुत ज़्यादा रो रहा है, आपका दिल किसी के लिए बहुत प्यार फील करता है, लेकिन उसी इंसान ने आपको ऐसे दोराहे पे लाके छोड़ दिया है कि ज़िंदगी जैसे बदहाल हो चुकी है, ज़िंदगी जीना मुश्किल हो रहा है, ना लाइफ में आगे बढ़ पा रहे हो, ना ही कुछ कर पा रहे हो। कोशिश कर रहे हो समझने की, सोचने की, आगे बढ़ने की, लेकिन जैसे कि सब ख़त्म हो चुका है। ऐसे मझधार में लाकर के आपके पार्टनर ने आपको छोड़ दिया है कि लाइफ जैसे अटक गई है, एक डेंजर जोन में आ गई है। कई बार नेगेटिव ख्याल आते हैं आपकी लाइफ में, कई बार आपने अपने लिए बहुत नेगेटिव सोचा है, कुछ दिमाग में कई बार आपके इनर वॉइस ने आपसे बोला कि ये सब ऐसे ही चलने वाला है, कई बार इनर वॉइस ने आपको बोला कि नहीं, चीज़ें ठीक हो जाएंगी, लाइफ ठीक हो जाएगी। सो अगर आप रीयूनियन चाहते हैं तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, क्योंकि आपके इमोशंस, आपके इंट्यूशंस
आप में से कई लोगों के इंट्यूशंस मैं देख पा रही हूँ अपने पार्टनर के लिए बहुत ज़्यादा इंटेंस हैं, बहुत ज़्यादा इंटेंस है। आप चाहते हैं कि वो आपकी लाइफ में वापस आ जाए और आपकी लाइफ जैसे पहली थी वैसी हो जाए, प्यार आपका आपको वापस मिले, ये कहीं जाना नहीं चाहिए। आपका पार्टनर थर्ड पार्टी को छोड़ दे और आपके पास वापस आ जाए। कई एफर्ट्स भी आप डाल रहे हो, प्रेयर्स कर रहे हो, मैनिफेस्टेशंस कर रहे हो, पर आप में से कई लोग ऐसे भी हैं जो इस सिचुएशन से बाहर निकल चुके हैं। आपने अपने दिल की आवाज़ सुनी है और कहीं ना कहीं आपका दिल ये मानने को तैयार नहीं है कि इसको वापस एक्सेप्ट किया जाए, और आप चाहते हो कि आपको जस्टिस मिले, कर्मा मिले उस पर्सन को, उस थर्ड पार्टी को जिसने आपकी ज़िंदगी एक ऐसे मोड़ पे लाके छोड़ दी जहाँ तकलीफ़ है। तो कमेंट बॉक्स में क्लेम कीजिएगा कर्मा, राइट, जिसने आपकी ज़िंदगी अधूरी छोड़ दी, तकलीफ़ों से भर दी। बट डिवाइन आपको ये बताना चाह रहे हैं, क्रिएटर जिसने सब कुछ बनाया, वो क्रिएटर आपको ये बताना चाह रहे हैं कि ये बोझ अपने दिमाग से उतार दो कि आपने कुछ किया है। आपके ऊपर इल्ज़ाम ज़रूर लगाए गए हैं, आपको उल्टा सीधा बोला गया है, हो सकता है आपके पार्टनर के फैमिली हो जिसने आपको एक्सेप्ट नहीं किया, ठीक है, हो सकता है थर्ड पार्टी की, ये थर्ड पार्टी कोई है आपके पार्टनर की लाइफ में जिसकी वजह से आपके पार्टनर आपको एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, आपको धोखा दे रहे हैं। सो ये बोझ आप अपने दिमाग से नहीं निकाल पा रहे हो कि जिस इंसान के लिए आपने सब कुछ किया, जिसके सपने देखे, जिसके साथ आपने बहुत वक्त स्पेंड किया है, जिसको आपने सब कुछ दिया, उसी पर्सन को आपकी बिल्कुल नहीं पड़ी है। पूरे टाइम थर्ड पार्टी की ही सुनते रहते हैं, उसी के ख्यालों में खोई रहते हैं, उसी की बातें दिमाग में घूमती रहती हैं। सो कहीं ना कहीं आप अपने को इंटीग्रेट करने की कोशिश कर रहे हो, अपने इस दिलो दिमाग की जो आपकी युद्ध चल रहा है उसको समेटने की कोशिश कर रहे हो, मेडिटेट करने की कोशिश कर रहे हो। आप में से कई लोग स्पिरिचुअल हो चुके हैं, नए रास्ते की तरफ चल चुके हैं, अपनी ज़िंदगी को एक नया मोड़ देना चाहते हैं, अपनी कहानी को एक नया मोड़ देना चाहते हैं, अपनी ज़िंदगी में चाहते हैं हर पल खुशियाँ आ जाएं, हर पल खुशियों को वापस लाना चाहते हो। अगर आपकी फैमिली है, बच्चे हैं, तो आप लोग बच्चों के लिए बहुत स्ट्रगल कर रहे हो, हो सकता है आपके पार्टनर ने आपको फाइनेंसेस भी देने बंद कर दिए हैं, हो सकता है आपके पार्टनर ने आपको इतना गिल्ट में डाल दिया है कि आप बोझ तले दबे जा रहे हो। जैसे ही थर्ड पार्टी सिचुएशन आपकी लाइफ में आई है, या फिर जब से ये थर्ड पार्टी सिचुएशन आपकी लाइफ में आई है, आपके पार्टनर को जैसे कि कुछ पड़ी ही नहीं है आपकी। बट यहाँ पर डिवाइन क्रिएटर आपको ये बोलना चाह रहे हैं कि आपकी लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशंस आ रहे हैं, आपको आपकी ज़िंदगी में चेंजेस आ रहे हैं, तो जो आपके लिए ठीक है वो आपके पास ज़रूर आएगा, जो आपके लिए अच्छा है वो आपको ज़रूर मिलेगा। हो सकता है ये मुसीबत का वक्त, ये परेशानियों का वक्त आपको कुछ सिखाने के लिए आया हो, बट क्रिएटर आपको यही बोल रहे हैं कि इस बर्डन को अपने दिमाग से हटा दीजिए, सेल्फ फोकस हो जाइए, खुद से प्यार करना शुरू कीजिए, अपनी ज़िंदगी की जिम्मेदारी खुद लेना सीखिए, है ना। अगर किसी पे आप डिपेंडेंट रहेंगे तो सामने वाला उस चीज़ का नाजायज़ फ़ायदा उठाएगा। अगर आप अपने पार्टनर के ऊपर डिपेंडेंट हैं, चाहे वो फाइनेंशियली, चाहे वो रिलेशन को लेकर के, चाहे वो फैमिली को लेकर के, या फिर प्यार को लेकर के, तो उसको ये पता है कि आपको वो किसी भी तरीके से फॉर ग्रांटेड ले सकता है, ठीक है। देखते हैं इन दोनों के बीच में क्या चल रहा है। फाइव ऑफ स्वॉर्ड, सो क्लेम कीजिएगा फाइव ऑफ स्वॉर्ड यहाँ पर, ठीक है, क्योंकि इनकी लाइफ में का ओके, एट ऑफ स्वॉर्ड, देखिए तो स्वॉर्ड्स के कार्ड्स आ रहे हैं, रिपीट हो रहे हैं, थ्री ऑफ पेंटिकल्स, ओके, फोर ऑफ स्वॉर्ड, अगेन स्वॉर्ड का कार्ड आया है, अगेन सेवन ऑफ स्वॉर्ड, बाप रे, बहुत बहुत ज़्यादा फ्लिकरिंग ऑफ थॉट्स हैं, हर्मिट का कार्ड, फाइन, नाइस, होना भी चाहिए, एट ऑफ वॉन्ड, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, मेषिन, धनु राशि, ओके, व्हील ऑफ फॉर्चून आ गया है, फाइन, देखिए चेंज आपकी लाइफ में भी आ रहा है, व्हील ऑफ फॉर्चून और चेंज इनकी यहाँ पर भी आ रहा है। सो वेट कीजिए, रीडिंग में आपको बताती हूँ क्या आ रही है। टू ऑफ वॉन्ड, सो देख सकते हैं आप कनेक्टिविटी क्या हो रही है, कर्मा यहाँ पर क्या इनको सबक सिखा रहा है ना, इनका समय, इनका भी वक्त बदल रहा है, जिस तरीके से आपका ये दुख भरा वक्त बदल रहा है और अच्छा वक्त आपकी तरफ आ रहा है, चेंजेस आ रहा है, क्रिएटर आपको ये बता रहे हैं। लेकिन वहीं पर यहाँ पर क्या बताया जा रहा है, यहाँ पर डिवाइन आपको ये बताना चाह रहे हैं कि यहाँ पर भी वक्त बदल रहा है,
ठीक है, जो ये बहुत अच्छा वक्त सोच समझ के चल रहे थे ना, ये वक्त बदल रहा है। कैसे बदल रहा है? इनके रिश्तों में एक दूसरे को लेकर के चिढ़ हो चुकी है एक दूसरे के लिए। इनको ऐसा फील होने लगा है कि ये लोग ज़बरदस्ती बंध गए हैं रिश्तों में, ज़बरदस्ती एक दूसरे के साथ आ गए हैं, और इस ज़बरदस्ती के रिश्ते में ये ज़्यादा अब रहना नहीं चाहते हैं। राइट, सो अब गिव अप करने के मूड में यहाँ पर आ गए हैं, क्योंकि आपके जो पार्टनर है ना, वो अब इस रिश्ते से परेशान हो चुके हैं। थर्ड पार्टी की बातें, थर्ड पार्टी की बकवास अब इनसे बर्दाश्त नहीं हो रही है। मैनिपुलेट करती है थर्ड पार्टी, राइट, और रिश्तों में दरार लाने की कोशिश कर रही है ये थर्ड पार्टी। कहीं ना कहीं आपके पार्टनर को फैमिली से दूर करने की कोशिश कर रही है, या फिर कुछ ऐसा दिखाई दे रहा है कि इस थर्ड पार्टी कि संगत में रहकर आपके पार्टनर भी अब परेशान होने लगे हैं। सो दम घुट रहा है कहीं ना कहीं इन लोगों का। जब भी आपके पार्टनर अपना चेहरा शीशे में देखते हैं तो गिल्ट से भर जाते हैं, क्योंकि ये थर्ड पार्टी ना एक माया जाल बुन रही है आपके पार्टनर के आसपास। खुद तो सेलिब्रेट करती है अपनी लाइफ, खुद तो मज़े करती है अपनी लाइफ में, और आपके पार्टनर को स्ट्रगल में डाल रखा है। आपके पार्टनर का दम घुट रहा है यहाँ पे। ऐसी कंडीशन में अपने को फील कर रहे हैं कि जैसे ना सब तरफ से मुसीबत ने घेर लिया है, और अब इस मुसीबत से निकल नहीं पा रहे, कोई रास्ता नहीं समझ में आ रहा कि कैसे निकले यहाँ से बाहर। निकलना चाहते तो ज़रूर हैं, भाग जाना चाहते हैं यहाँ से। ओके, सो बाहर निकलना चाह रहे हैं। इमोशंस डेफिनेटली यहाँ पर होल्ड किए हुए हैं, क्योंकि इमोशंस तो यहाँ पर थर्ड पार्टी और आपके पार्टनर में कहीं भी नहीं दिख रहे हैं। सो इन दोनों में इमोशनली कनेक्शन नहीं है, सिर्फ और सिर्फ डिज़ायर्स और ज़रूरत का कनेक्शन है, अपनी ज़रूरतों का कनेक्शन है। कहीं ना कहीं आपके पार्टनर ने अपनी ज़रूरतों की वजह से थर्ड पार्टी को चुना, और थर्ड पार्टी ने भी अपनी ज़रूरतों की वजह से आपके पार्टनर को चुना। सो फाइनेंशियली ज़रूर कुछ ना कुछ यहाँ पर इन दोनों के बीच में चल रहा है, राइट। थर्ड पार्टी जो है उसकी लाइफ में उसको स्टेबिलिटी चाहिए, वो अकेली है। अपनी थर्ड पार्टी जो है ना, वो कहीं ना कहीं अकेलापन फील करती है। सो उस अकेलेपन को दूर करने के लिए इसने आपके पार्टनर का सहारा लिया, पर ये भूल गई कि वो किसी और का रिलेशनशिप तोड़ रही है ना। इतनी बेशरम हो गई ये थर्ड पार्टी कि ये भूल गई है कि किसी और का रिलेशनशिप ख़राब करके अपना रिलेशन बना रही है। अरे ज़िंदगी में अकेलापन है तो नए कनेक्शंस बनाने हैं, तो ऐसे इंसान से के साथ नए कनेक्शन बनाइए जो खुद भी अकेला हो, ना कि उस इंसान के साथ जिसकी ऑलरेडी फैमिली है या फिर रिलेशनशिप में है वो। सो कहीं ना कहीं कर्म आ रहा है, ठीक है, इनकी तरफ कर्म आ रहा है, और बहुत तेज़ी से आ रहा है। इनका असली चेहरा इनके सामने आ रहा है, थोड़ा वक्त इनका बदलता हुआ दिखाई दे रहा है ना, इन दोनों का वक्त बदल रहा है। सो अब कहीं ना कहीं इनका इंतज़ार एक दूसरे के लिए बढ़ता जाएगा। थर्ड पार्टी कहीं ना कहीं ट्रैवल करने वाली है, हो सकता है इसकी ज़िंदगी में कुछ और कुछ ऐसी सिचुएशंस आ गई हैं कि यहाँ से इसको जाना पड़ रहा है, या बहुत जल्द इसको जाना पड़ेगा। सो कार्मिक्स इन दोनों को बांध रहे हैं, अकेलापन बहुत ज़्यादा फील हो रहा है यहाँ पर, एक दूसरे को बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं, घुटन हो रही है अब इस रिश्ते में इन दोनों को। थर्ड पार्टी निकलना चाहती है, यहाँ तक कि आपके पार्टनर भी इस रिश्ते से निकलना चाहते हैं, बट कुछ ना कुछ जो भी इन दोनों का जो भी सेल्फिश रीजंस है ना, अब इनसे और ज़्यादा बर्दाश्त नहीं हो रहा है। अब ना तो ये इस टॉक्सिक रिलेशन को आगे झेलना चाह रहे हैं, ना ही उसको कंटिन्यू करना चाह रहे हैं। कहीं ना कहीं आपके पार्टनर को ऐसा लगने लगा है कि आप थर्ड पार्टी ना आपके पार्टनर को एज अ चॉइस भी लेती है। चॉइस मतलब क्या? पहले ही किसी का रिश्ता ख़राब किया अपनी स्टेबिलिटी के लिए, अब चॉइसेस हैं। ओके, सो अपने पास रखना चाहती है थर्ड पार्टी, ताकि इसकी ज़रूरतें पूरी हो सकें, और थर्ड पार्टी कोई भी हो सकती है, आप अपनी सिचुएशन के हिसाब से देख सकते हैं। सो डेफिनेटली यहाँ पर कार्मिक्स आ रहे हैं, और इनका जो ये सोच रहे थे ना, बड़ा सोक और अच्छा वक्त चल रहा है, बट ये वक्त इनका बदल रहा है, चीज़ें पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जा रही हैं। देखते हैं यहाँ पर एंजल्स आपको क्या बताना चाह रहे हैं। एंजल्स प्लीज़ गाइड कीजिए।
द सिचुएशन विल इम्प्रूव. वाओ, सो आपके लिए देखो आया है ना यहाँ पे चेंज का कार्ड, सिचुएशन विल इम्प्रूव. सो आपकी सिचुएशंस इम्प्रूव होती हुई यहाँ पर दिखाई दे रही है. सो एंजल्स आपसे ये बोलना चाह रहे हैं कि बस बढ़ते चलो, एंजल्स आपके साथ हैं, एंजल्स की ब्लेसिंग्स आपके साथ हैं. नेगेटिव नहीं होना है अपने डिवाइन के ऊपर से, एंजल्स के ऊपर से, भगवान के ऊपर से भरोसा नहीं उठाना है. अपनी एनर्जीज को सेंस करने की कोशिश कीजिए, अपनी इम्पोर्टेंस को सेंस करने की कोशिश कीजिए. आपकी ज़िंदगी आपके लिए है, सेल्फ लव स्टार्ट कर दीजिए. क्योंकि आपके पार्टनर को पता है कि ना आप गिव अप करने को तैयार नहीं हो, या फिर आप इतनी आसानी से गिव अप नहीं करोगे. ये जो भी करें आप इनको एक्सेप्ट करोगे, इनको ऐसा लगता है. तो आपकी तरफ सिचुएशंस इंप्रूव होने वाली हैं. सो चेंजेस आ रहे हैं, राइट. इन चेंजेस के साथ आपके पास क्रिएटर की ब्लेसिंग्स आ रही हैं और एंजल्स की भी ब्लेसिंग्स आ रही हैं कि आपकी सिचुएशन अब जो भी परेशानियों से गुजर रही थी, अब आपकी सिचुएशन इंप्रूव होने वाली है. रिमेन पॉजिटिव, ब्यूटिफुल कार्ड. इस कार्ड को देखिए और स्माइल कीजिए, पॉजिटिव हो जाइए. किसी भी तरीके का कोई गिल्ट नहीं रखना है. कैंडल पे फोकस करने की कोशिश कीजिए. किसी भी तरीके का कोई गिल्ट अपने दिमाग में नहीं रखना है. पॉजिटिव हो जाइए. अपनी ज़िंदगी को का मकसद पहचानिए. सिर्फ ये इंसान आपकी ज़िंदगी का मकसद नहीं हो सकता है. आपको डिवाइन ने, एंजल्स ने ये लाइफ दी है कुछ करने के लिए. आगे बढ़िए अपनी लाइफ में और पॉजिटिव रहिए. लिसन टू योर इंट्यूशंस, ध्यान दीजिए आपकी इंट्यूशंस क्या कह रही हैं. सुनिए अपने इंट्यूशंस की, तो डेफिनेटली अगर आप पॉजिटिव रहेंगे, अपनी इंट्यूशंस की सुनेंगे, तो आपकी सिचुएशंस इंप्रूव होती हुई दिखाई दे रही हैं. सो ये कार्ड क्या बता रहा है, राइट. सो देखते हैं, परफेक्ट टाइमिंग. सो आपकी लाइफ में परफेक्ट टाइमिंग आने वाली है. परफेक्ट समय आपका इंतज़ार कर रहा है. आपकी लाइफ में परफेक्ट समय आ रहा है. सिर्फ इंट्यूशंस के सुनिए, पॉजिटिव रहिए. सिचुएशंस इंप्रूव होने का परफेक्ट समय आ रहा है. सो ग्रैटिट्यूड दीजिए एंजल्स को. कनेक्ट हो जाइए एंजल्स के साथ. कनेक्ट होने के लिए कनेक्ट हो जाइए चैनल के साथ, क्योंकि एंजल्स की ब्लेसिंग्स आप तक आ रही हैं, आपको बहुत कुछ बता रही हैं. समझने की कोशिश करें. सो ये थे आज के कार्ड, ये थी आज की रीडिंग, ये थे आज की एंजल्स के ब्लेसिंग्स आपके लिए. आई होप आपके साथ रेजोनेट की होगी. तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलना है अगर आपको एंजल्स की ब्लेसिंग्स चाहिए तो. ओके, मैनिफेस्टेशन ज़रूर लिखिएगा, डिवाइन का, एंजल्स का, बजरंग बली का, यूनिवर्स का थैंक यू कीजिएगा. कमेंट बॉक्स में 111 क्लेम कीजिएगा. ज़रूर लिखकर बताइएगा कि आप इस वीडियो को कहाँ से देख रहे हैं. इंस्टाग्राम, यूट्यूब एंड फेसबुक, किसी भी सोशल मीडिया पे आप जाके हमें ज्वाइन कर सकते हैं. अगर आप जानना चाहते हैं आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स, तो हमारा दूसरा चैनल है व्हील ऑफ फॉर्चून टैरो 2190, वहाँ जाके आप और रीडिंग्स देख सकते हैं. सो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में. तब तक के लिए ध्यान रखिए, सुरक्षित रहिए. नमस्ते.